बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जो ज़रूर देखी जानी चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक और बहुत ही मॉडर्न। और मुझे खासकर लगता है कि लड़कियों को, गर्ल्स को बहुत पसंद आएगा, और एक दिमाग खोलने वाला, एक दिमाग खिड़की खोलने वाला कॉन्सेप्ट है। और पालकी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पुराने, उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रोजेक्ट किया है, तो एक ऐसी फिल्म जो बहुत ज़रूरी फिल्म समझ अच्छी लगी। और जो रोल रिवर्सल था बहुत ही अमेजिंग था करीना और अर्जुन का, एंड इट्स गोइंग टू वर्क रियली वेल, लव दिस फिल्म। मैं का ही हूँ रियल लाइफ में यार, तभी तो बचपन में शादी हो गई मेरी। क्या रियल लाइफ में बिल्कुल मैं कहा हूँ और की हूँ एक्चुअली, मतलब जैसे अर्जुन है इस फिल्म के अंदर, तभी मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं बहुत पत्नी रहता हूँ, एंड आई थिंक द फिल्म इज गोना रियली वर्क। पाँच में से मैं 4.5 दूंगा, क्यों 5 से 5 तो फेक लगता है, 4.5 दूंगा। हाँ आई थिंक पूरी फिल्म इमोशन से ज़्यादा फनी और कॉमेडी है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। कोई भी ड्राई मोमेंट नहीं है, बहुत ही हंसी ठहाके में फिल्म निकल जाती है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आयुष्मान को घर पे बहुत पिटाई होने वाली है, आयुष्मान की जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनको घर पे बहुत पिटाई होने वाली फिल्म देखने के बाद। ये पर बहुत अच्छी पिक्चर है, आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज है शादीशुदा लोगों के लिए। नहीं जेन्युइनली आई थिंक फॉर एवरीवन, फॉर एवरी मैन, आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज। अब ही स्पेंडिंग की तैयारी करनी चाहिए। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही बिहेव करूँगा, बट आई थिंक इट्स एक्चुअली जेन्युइनली अ गुड फिल्म, बहुत अच्छा मैसेज है हमारे समाज के लिए, एंड आई थिंक अर्जुन एंड करीना दे बोथ कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर वेरी वेल इन द फिल्म। जो केमिस्ट्री इनकी बहुत अच्छी है फिल्म में, और नई केमिस्ट्री है, सीइंग देम पेयर टुगेदर, क्लीशेस तोड़ती है फिल्म, एंड अच्छी सिनेमा चल रही है आजकल, तो बहुत अच्छा है। आई एम श्योर की एन काबल ऑल्सो वर्क। हाँ नहीं मैं मूवी में नहीं हूँ ना, मैं ऐसी आई होप सो आई थिंक एक तरीके से दिस फिल्म, एक वेरी फ्यू फिल्म समटाइम्स हैव अ लेसन इन इट, हैव अ मॉरल इन इट, दिस फिल्म एक्चुअली हैज अ मैसेज इन इट। तो बहुत सीख मिलती है फिल्म देख के टूवर्ड्स वुमेन, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स, स्पेशली एज अ मैन वॉचिंग इट, इट डज चेंज योर थिंकिंग। The characters, and yeah, I don't want to give too much away, but I loved the film. I loved Arjun, I loved Kareena. I think they were amazing, and I loved the entire concept. Of course. Very cute and very pertinent. I think we're all spoiled now. This is true. Not ungliyon pe naache, I mean you have film dekhi to aapko pata chalega, I don't want to say anything about it. I think puri film ki kahani bahut achhi hai, and I think Mr. Bachchan and Jaya ma'am is just amazing, so cute with Arjun and Kareena, and it's amazing, everybody's amazing, and it's written so well, it's super, the songs are really good, I really enjoy it. नहीं मैं आ गया हूँ, बट क्या है इस वक्त मैं नर्वस आ रहा हूँ, पिक्चर अभी अभी खत्म हुई है, पहली प्रॉपर स्क्रीनिंग थी, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, सबको पसंद आई। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक अबाउट द फिल्म फॉर मी विदाउट टॉकिंग इन डिटेल अबाउट उनको क्या क्या पसंद है, वो मैं चाहूँगा लोग सिनेमाघर में जाकर देखें, बट शुरुआत अच्छी है हमारे स्क्रीनिंग्स की, आप सब आते रहोगे और रिएक्शन लेते रहोगे, तो आप तो सब मुझे बता देना अगली स्क्रीनिंग के बाद क्या रिएक्शन है। जी नहीं यार, मेरे दोस्त जैसे वरुण जो मेरा दोस्त है, उसने औरंगजेब देखी थी और उसने कहा था यार मुझे नहीं लगता ये वाली पार हो पाएगी, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड बी एज फ्रेंड्स। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री जनरल यू कैन सेंस, आपको एक सेंस मिलता है, अगर वो कहे या ना कहे,
ज़्यादातर अगर पिक्चर अच्छी नहीं लगती तो ख़त्म होते ही सब गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। अगर सच में पसंद आती है तो आपके साथ दो पल बिताते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें क्या क्या पसंद आया। यार आई ऑलवेज बिलीव हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट द फर्स्ट फ्यू डेज हैपन। ऑब्वियसली आई एम हैप्पी पीपल आर लाइकिंग इट, मतलब हम सही डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन सही है वो होपफुली 1 अप्रैल को पता लगी। नो देर इज नो आई कैटरीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो अगर मैं उनको मिलने चले जाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिक्चर कर रहा हूँ उनके साथ, बट नो द ओनली फिल्म आई एम डूइंग इज हाफ गर्लफ्रेंड। सी यू गाइस, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स हिट द सब्सक्राइब बटन।